हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे तलपट के विषय। तलपट क्या होता है? तलपट से आशय होता है कि खाता वही, मतलब जो खाता वही होता है, जो खोले गए खातों का योग व उनके जो शेषों का पर लगाई गई एक सूची से है, जिसमें आप दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार आप व्यापारिक सौदों को क्या करते हैं, अलग अलग पक्ष पर क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं। तथा दोनों पक्षों की राशि कैसी होनी चाहिए? समान होती है। और खाता बही के समस्त खातों अथवा शेषों में जो सूची तैयार की जाए, उस सूची को क्या कहेंगे? उसमें डेबिट व क्रेडिट दो पक्ष में राशियों के जो योग होते हैं, उसकी मतलब जो योग होता है उसका कैसा होता है? सामान्य होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर आपको तलपट बनाना, मतलब जो तलपट है बनाना मैं बताऊंगी। तो तलपट खाता बनाने के लिए आपको तलपट में उसमें आप लिखोगे खाता, खाते का नाम। तो खाते के नाम में क्या क्या आता है? आपका रोकड़ खाता आता है उसमें, रोकड़ खाता, बैंक खाता, ये सब आता है। फर्नीचर, भवन, ये सब आपके क्या है? खातों के नाम है। अधिविकर्ष हो गया, प्रारंभिक स्कंध हो गया, देनदारियां, विक्रय, क्रय वापसी, क्रय विक्रय वापसी, ये सब क्या हो गए? खातों के नाम हो गए। और उसमें अपन रकम को क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट करके अपन रकम को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो एक छोटा सा आपके लिए तलपट खाता बनाइए। आपको छोटा सा तलपट खाता बनाना है। तो तलपट खाते में आपको सबसे पहले यहाँ पर डेबिट खाता और क्रेडिट, मतलब आपको जो खाता है, राशि है, वो आपको क्या करनी है? यहाँ पर अलग अलग डेबिट, यहाँ पर रकम लिखेंगे, और ये क्रेडिट, यहाँ पे भी आपको रकम। तो सबसे पहले पूंजी। तो पूंजी खाते में तो जी जो पूंजी है तलपट बनाने के लिए, तो जो पूंजी दी है वो कितने हजार की है आपको, मतलब जो पूंजी के आधार पर भी कोई तलपट बनेगा, तो जो पूंजी है वह है 40,000। तो 40,000 जो पूंजी है वो कौन सी है? वो आपके पास है, आपके हाथ में है, तो वो है 40,000 रुपए। ये आपकी क्या है? पूंजी। फिर हो गया लेनदार। तो लेनदार मतलब यहाँ पर किसी से क्या करना है? लेनदारी है। तो ये भी आपकी कौन से खाते में आएगी? जो लेनदारी है वो भी अपने क्रेडिट तरफ आएगी, क्रेडिट खाते की तरफ आएगा। तो लेनदार कितना है अपना? 5,000 रुपए। तो ये 5,000 हो गए। फिर उसके बाद है बैंक अधिविकर्ष। जो अपन को बैंकों के अधिविकर्ष होते हैं, वह भी जो अपने पास बैंक, वो भी अपनी क्या हुई? संपत्ति हुई। तो वो कहाँ पर आएगी? वो भी 4,000 की है, तो वो भी क्रेडिट साइड आएगी। उसके बाद है प्रारंभिक स्कंध, मतलब जो प्रारंभ में अपने पास मतलब जो है पूंजी है वह है 6,000। तो वह कहाँ आएगी? डेबिट खाते में आएगी। तो ये हो गया 6,000 रुपए आपका कहाँ आ जाएगा? डेबिट खाते। तो डेबिट खाते में आएंगे, तो कहाँ लिखेंगे अपन? प्रारंभिक खाते में अपने पास जो 6,000 है वो आएंगे, तो डेबिट पे लिखेंगे। उसके बाद है क्रय। तो आपने क्या खरीदा, तो वो भी आपके काय में आएंगे, डेबिट। मतलब जो रकम जा रही है, तो आपने क्या खरीदा? आपने 25,000 रुपए क्रय, तो 25,000 में कोई वस्तु का क्रय किया, तो वो भी कहाँ आएंगे? ये 25,000 रुपए। फिर है देनदारी। तो आपको क्या क्या देना है, किसको? देनदारी जो रहेगी वो क्रेडिट साइड आएगी, और जो देनदारी है मतलब वो कहाँ पर आएगी? आपको आपको देनदारी कितने देना है आपको? 6,500 रुपए। तो ये 6,500 रुपए आपकी देनदारी होगी। फिर विक्रय, आपने क्या विक्रय किया? तो जो विक्रय है, विक्रय करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? तो विक्रय की राशि है 20,000। वो कहाँ आएगी आपकी? वो आएगी आपकी क्रेडिट से। तो ये आपके 20,000 रुपए हो गए। फिर है क्रेडिट।
वो भी कहा जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा, मतलब जो अपन क्रय कर रहे हैं और जो आपको मतलब क्रय करने पर वापसी मिल रहा है, मतलब जो अपना पैसा मिल रहा है वो क्रेडिट साइड और जो जा रहा है वो डेबिट साइड। तो उसके बाद है क्रय वापसी के बाद है विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी कितनी है आपकी 500 रुपये। तो विक्रय वापसी आपकी कहां पर आ जाएगी, ये 500 रुपये आपके डेबिट साइड। फिर है आपका विक्रय वापसी, फिर मशीनरी। जो मशीनरी है वह कैसी संपत्ति है आपकी, जो तो आपने क्या करी मशीन को क्या किया आपने खरीदा क्रय किया है ना, तो वह आपका जो है 24,000 रुपये भी कैंटर आएगा डेबिट साइड आएगा, तो आपके 24,000 रुपये हो गए। तो ये आपके। फिर उसके बाद है रोकड़, जो आपके पास रोकड़ बची वो कितनी है, जो रोकड़ आपके पास है वह 4,000 रुपये, तो वह भी आपकी डेबिट साइड जाएगी, 4,000 रुपये आपकी ये रोकड़ होगी। फिर है बैंक में शेष, तो इन सब के बाद आपके पास जो बैंक में शेष बचा वह कितना है, बैंक में जो शेष है बैंक शेष की राशि आपका ये बैंक शेष है ये 1,000 रुपये, तो ये भी आपका कहाँ आएगा डेबिट साइड। फिर है प्राय बिल, तो जो आपके प्राय बिल की राशि है वह कितनी है 5,000 रुपये, तो ये प्राय बिल है तो आपके प्राय बिल डेबिट साइड आएंगे तलपट में, तो कितना हो गया 5,000 रुपये। तो फिर आप अभी आपको मैंने बताया कि तलपट का जो आप तलपट बनाते हो उसके दोनों साइड की रकम कैसी होती है, एक सी होती है। तो आप 40,000 5,000 सब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका ये 72,000 रुपये इसका टोटल आएगा। तो डेबिट साइड है वो दोनों में आपको आपको ये भी 72,000 रुपये और क्रेडिट साइड जोड़ोगे तो ये भी आपके 72,000 रुपये। तो जो तलपट की रकम होती है दोनों साइड कैसी होती है, एक सी होती है। तो एक छोटा सा ये आपको तलपट बनाने का तरीका मैंने बताया। आपको आगे बुक से देखकर आपको एक दो सवाल ऐसे ही तलपट बनाने के लिए करने होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए कि तलपट कैसे बनाए जाते हैं। तो फिर है निम्नलिखित शेषों में 31/12/2009 में तो राजा राम की जो पुस्तक है उसका तलपट बनाइए। तो राजा राम की जो पुस्तक है उसका तलपट बनाने के लिए आपको उसने दिया है क्रय है 40,000 रुपये, विक्रय 65,000 रुपये, विज्ञापन आपको दिए है 5,000 के और जो प्रारंभिक रहतिया है वो आपको दी है उसने 15,000 और उसके बाद है जो वेतन उसने दिया आपको 10,000 रुपये, फर्नीचर दिया 5,000। तो आपको डेबिट और खाते मतलब जो आपको एक तलपट बनाना है उसमें आपको दिया की रकम लिखनी है और इसमें क्रेडिट साइड में विकलन और समाकलन मतलब यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी आपको रकम जो आपको क्रेडिट साइड आएगी। जैसे आपने कोई भी चीज वस्तु का क्रय की तो जब आप कोई वस्तु खरीदोगे तो उसके लिए क्या करोगे, व्यय करोगे, तो व्यय का जो व्यय है वह किस साइड आएंगे डेबिट साइड आएंगे। तो जो आपने क्रय किया आपने कोई भी वस्तु खरीदी जैसे क्रय किया तो जो क्रय हुआ वह कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा 40,000। फिर है विक्रय, तो आपने वस्तु को क्रय करने के बाद क्या किया बेचा, तो वह कहा जाएगी बेचने पर आपको क्या प्राप्त होगा ना, तो वो कहां पर आएगा ये आपका क्रेडिट साइड आएगा 65,000 यहाँ पर ये 65,000 आपका क्रेडिट साइड आएगा। फिर विज्ञापन पे आपने क्या किया व्यय किया, विज्ञापन भी किसी भी व्यापार को शुरू करने पर विज्ञापन भी क्या है, विज्ञापन के लिए आपने व्यय किए तो वो भी एक व्यय की राशि हुई, तो वह क्या होगी वो विज्ञापन जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे डेबिट साइड वो भी 5,000 रुपये। तो ये आपका विज्ञापन का जो व्यय है वो 5,000 हो गया। उसके बाद है प्रारंभिक रहतिया, जो प्रारंभिक रहतिया है वो है 15,000, तो ये भी व्यय की गई राशि। फिर उसके बाद है वेतन, तो आपने किसी से काम लिया तो उसको आपको वेतन देना है तो वो देनदारी में हो गया, आपका वेतन भी कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड आएगा, तो 10,000 रुपये क्या होगा ये आपका
लेता हूँ। फिर है फर्नीचर, तो आपने फर्नीचर भी क्या किया, खरीदा। जो चीज अपन खरीदेंगे तो आपका फर्नीचर है वो भी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डेबिट साइड आएगा, वो अपन 5,000 रुपए डेबिट साइड हो गए। उसी प्रकार यंत्र मतलब मशीनरी यंत्र जो भी चीजें हैं वो जो अपन ने लिया है, जो मशीन यंत्र लिया अपन ने कोई भी व्यापार के लिए, तो वो कहाँ पर जाएगा, 20,000 रुपए, तो वो भी डेबिट साइड जाएगा। उसके बाद है देनदारी, वो जो देनदार है वो भी कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड आएंगे, और जो लेनदार है वो क्रेडिट साइड आएंगे। तो उसी प्रकार जो देनदारी है वो है 5,000 रुपए, तो वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या आएगा, लेनदारी, तो वो 9,500 रुपए आपकी जो लेने हैं आपको किसी से, तो वह इस तरफ आ जाएंगे 9,500 रुपए क्या हो जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, अपने क्रेडिट साइड आ जाएंगे। फिर है अपनी पूंजी, तो अपने पास पूंजी कितनी है, 25,000 रुपए। कितनी पूंजी है, 25,000 रुपए है, वह भी आपकी क्या किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। जो अपने हाथ में है, जो अपने पास है, वह पूंजी है, वह कितनी है, 25,000 रुपए है, तो किस साइड मतलब क्रेडिट साइड, इसको अपन लिखेंगे। फिर उसके बाद है क्रय वापसी, अपने कोई भी वस्तु का जब क्रय किया तो उससे जो वापसी प्राप्त, जो रुपए की जो वापसी प्राप्त हुई, मतलब उनको राशि प्राप्त हुई 500 है, वह कहाँ जाएगी, वो भी आपकी क्रेडिट साइड जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये राजा राम की पुस्तक के लिए क्या बन गया, तलपट बन गया। फिर आज उनका टोटल लगाओगे तो दोनों मतलब डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों टोटल कैसे होने चाहिए, एक से होने चाहिए। तो आप इनका टोटल लगाओगे तो ये भी 1,00,000 रुपए आएगा, इतने आएगा 1,00,000 रुपए। तो और डेबिट साइड का भी टोटल लगाओगे तो वो कितना आएगा, 1,00,000 रुपए आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, ये आपका एक तलपट बन, तलपट खाता जो है बन गया, इसकी पुस्तक के लिए, राजा राम की पुस्तक के लिए। तो ये छोटे छोटे आपको नेक्स्ट वाला है, ये है आपका होमवर्क के लिए, आप इनको आप राजा राम करें निम्नलिखित स्टेशनों का तलपट बनाइए। तो आपको तलपट बनाने के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको बनाओगे तो जो आपका तलपट है वह कैसे बनेगा, आपको बनाने बिके हुए माल की लागत, तो जो आपका माल बिका उसकी लागत कितनी थी, 3,00,000 रुपए थी, कितनी थी, 3,00,000, तो किस साइड आएगी, वो डेबिट साइड आएगी। फिर उसके बाद है देनदारी, जो आपको देना है, तो जो देनदारी है, देनदारी है जो आपकी, देनदारी है जो आपकी, वो कितनी है, 1,20,000 रुपए, तो वह भी आपकी कहाँ आएगी, डेबिट साइड आएगी। और जो आपके लेनदार है वो 60,000 रुपए, तो कहाँ जाएंगे, 60,000 क्रेडिट साइड जाएंगे। तो आपको यहाँ पर डेबिट और डेबिट की रकम और यहाँ पर आपको क्रेडिट, तो ये आपका डेबिट साइड जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। और आपकी स्थायी संपत्ति मतलब आपकी जो भी भवन पूंजी ये सब है, जो स्थायी संपत्ति है वो भी आपकी कहाँ जाएगी, डेबिट साइड जाएगी, जो कितनी है, 1,00,000 रुपये। फिर आपके जितने भी क्या है, व्यय है, तो आपके व्यय क्या है, आपका व्यय है 40,000 रुपये, तो वो भी क्या जाएगा, आपका डेबिट साइड जाएगा। और जो विक्रय है, जो आपने बिक्री की, वह कहाँ जाएगी आपकी, तो आपने कितने की बिक्री की, 1,82,000 की आपने क्या की, पूंजी आपके पास है। आप इसको, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको मतलब हल करो। फिर है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सुनील का लाभ हानि खाता बनाइए, मतलब जो सुनील है उस, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आपको एक लाभ हानि खाता बनाना है कि व्यापार में आपको समाप्त होने वाले वर्ष में क्या लाभ हुआ और क्या हानि।
तो सुनील का क्या बनेगा, एक लाभ हानि खाता बनेगा। तो लाभ हानि खाता जो है वह समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्या होता है, तैयार किया जाता है। तो उसमें आपको लाभ हानि खाते में आपको दायित्व और संपत्ति, मतलब आपको एक प्रोफार्मा में इसमें विकलन और समाकलन। तो जो विकलन में साइड में जितने भी आते हैं वो दायित्व आते हैं, और समाकलन साइड जितनी भी आता है वो क्या आती है, समाकलन साइड में पूरी संपत्तियां आती है। तो आपको सकल हानि कितने की हुई, सकल हानि आपको 2300 रुपए की हुई। तो वो आपका 2300 रुपए है जो वह कहा जाएगा, यहाँ पर आपको रकम लिखना है, ये आपकी संपत्ति हो गई। फिर यहाँ समाकलन साइड भी आपको रकम, तो सकल हानि, तो आपको सकल हानि कितनी की हुई, 2300 रुपए की आपको क्या हुई, सकल हानि हुई। फिर उसके बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको वेतन प्राप्त हुआ। तो वह भी किस साइड आ जाएगा, आपको वेतन जो मिला वह क्या है, होता है 2800 रुपए, क्या है आपका वेतन है। तो वह भी कहाँ आ जाएगा, आपका दायित्व साइड आ जाएगा, 2800 रुपए आपका ये वेतन हो गया। फिर ग्राहक वाहक जो गाड़ी भाड़ा, मतलब बाहर ले जाने के लिए जो गाड़ी भाड़ा है वह है ना, तो वो गाड़ी भाड़ा जो है वह भी क्या है, किस साइड आएगा आपका, तो गाड़ी भाड़ा कितना है 300 रुपए, तो वह भी कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर समाकलन साइड। फिर बट्टा दिया, तो बट्टा कितने का दिया, 200 रुपए का, जो बट्टा है वह भी आपकी क्या है, दायित्व है वो। फिर विविध व्यय, किसी भी व्यवसाय के लिए जो विविध व्यय होते हैं वह आपका कितना है, 150 रुपए, आपके क्या हो गए, विविध व्यय हो गए। फिर आपको शुद्ध लाभ और हानि खाते का खाता, इसके बाद क्या हो गया जी, आपको क्या प्राप्त हुआ, कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ आपको, ये कहा कि साइड जाएगा, जो कमीशन मिला आपको वह जाएगा आपको समाकलन साइड जाएगा, वो है 1200। फिर है आपको बट्टा प्राप्त हुआ, बट्टा प्राप्त हुआ आपको कितना हुआ, 400 रुपये, तो ये आपका 400 रुपये क्या हुआ, बट्टा प्राप्त हुआ। फिर आपको विविध प्राप्तियां हुई, मैं कितनी थी, 4000, तो विविध प्राप्तियां थी वो कितनी थी, 4250 रुपए की, 4250 रुपए जो हो गए आपके क्या हो गए, विविध प्राप्तियां हो गई। फिर आपको शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि खाता में बनाएंगे, तो आपको शुद्ध लाभ शुद्ध हानि खाता का हस्तांतरण कितना है, 100 रुपए, आपको क्या हुआ इसका, 100 रुपए शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि खाता, 100 रुपए जो हो गए। फिर आप इनका, इसका भी टोटल आपका कैसा होगा, इनमें 5800 जो इनके टोटल लाभ हानि खाते का भी समाकलन और विकलन का टोटल कैसा होता है, एक सा होता है। तो ये हो गए 5800, इनका समाकलन का टोटल 5850, ऐसे ही विकलन का 5850, ये आपका टोटल हो गया। तो आपका ये समाप्त, जो लाभ हानि खाते बनते हैं वह कैसे बनते हैं, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न आप बुक से देखकर करोगे, तो लाभ हानि खाते क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लाभ हानि खाते हैं उसमें लाभ हानि खाते में क्या क्या लिखते हैं आप, जमा पक्ष में ब्याज, कमीशन, प्राप्त बट्टा, लाभांश इत्यादि आपको लिखना होता है। तो लाभ हानि खाता किस पक्ष में बनाया जाता है, लाभ हानि खाता समाप्त होने वर्ष वाले के लिए बनाया जाता है। तो आप बुक से देखोगे कुछ हल और आप उनसे करोगे प्रैक्टिस करोगे, मैं थोड़े थोड़े गणित की, लाभ हानि खाता बनाओगे, चलपट बनाओगे और मतलब विवरण लिखोगे, ये सब। धन्यवाद।